दोस्तों, अगर आपके फिश एक्वेरियम में आपकी मछली मर गई है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों, आप अपने फिश एक्वेरियम की उस मछली को हटा दीजिए, क्योंकि अगर आपकी मछली मर गई है तो उस मछली से बाकी मछलियाँ भी इन्फेक्टेड हो जाती है। दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा होता है कि टैंक में मछली मर जाती है और टैंक की मछलियाँ ही उस मरी हुई मछली को खा लेती है और आपको पता भी नहीं चलता, और आप अचानक से देखते हो तो आपको एक फिश उसमें से गायब दिखती है। तो दोस्तों, आप हर रोज़ रात में कम से कम एक बार फिश को जरूर गिनिए कि आपके फिश टैंक में कितनी मछलियां हैं, और उसके हिसाब से फिर आप मछली को गिनें। अगर उसमें से कोई मछली कम लग रही है तो उसे आप जरूर ढूंढें कि कहीं आपकी मछली मर तो नहीं गई है। मछली के मरने के बाद तुरंत जाली की मदद से उसको बाहर निकालिए और बाहर निकाल के उसे फेंक दीजिए, जो भी आपको करना हो। और फिश टैंक को आपको उसके बाद दोस्तों क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए सबसे पहले आप चाहो, अगर आप ठंड का टाइम चल रहा हो, पानी बदलना नहीं चाह रहे हो, तो आप उसमें ये दो लिक्विड जरूर डाल दीजिए जो मैंने आपको पहले भी बताया। ये दोनों लिक्विड में से डालने से आपके फिश टैंक का पानी भी साफ रहता है और साथ में मछली में जो है फंगस भी जल्दी नहीं आते हैं। और अगर आप ऐसे मौसम में ये देख रहे हो जब थोड़ा सा गर्मी का टाइम है या जब भी, तो उस समय आप ये फिश टैंक का जो पानी है इसे आप बदल सकते हो, आप उसमें नया पानी डाल सकते हो, क्योंकि पानी भी इन्फेक्टेड हो जाता है मछली के मरने से। तो आप कोशिश ये करें कि पानी भी बदल दें। तो आपको ये काम करना, अगर ठंड का टाइम है तो आप कोशिश करें, अगर आप पानी नहीं बदलना चाहते हो तो उसमें ये दोनों लिक्विड ज़रूर डालें। साथ में दोस्तों, आपको जो फ़िल्टर की जो रुई है उसको ज़रूर बदलना है। अगर आपकी मछली मर जाती है उसके बाद दोस्तों, या तो आप फ़िल्टर की रुई को एकदम क्लीन करें जा करके, और जो फिल्टर का जो फ़िल्टर होता है उसको भी खोल करके अच्छे से साफ़ करें, या फिर जो उसकी रुई है उसको भी अच्छे से साफ़ करके फिर लगाएं, है ना, क्योंकि उसमें मरने के बाद भी उसके जो कीटाणु होते हैं उसके उसमें रुई में आ जाते हैं। तो आपको रुई को भी अच्छे से साफ़ करना है उसकी, और फिर उसमें रखना है, या तो फिर आप चाहें तो नई रुई उसमें लगा सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों, आपको फिश टैंक काफ़ी साफ दिखेगा और आपकी जो मछली मर चुकी है उससे आपका टैंक जो है जल्दी इन्फेक्टेड नहीं होगा। तो ऐसा करने से आपकी जो बाकी मछलियाँ भी सेव रहेंगी। दोस्तों, ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन क्लिक कर सकते हो। अभी के लिए दोस्तों, बाय एंड टेक केयर।